आज की वीडियो दोस्तों बिल्कुल ही नया नकोर ट्रैक्टर है, स्वराज 855 फाइव स्टार। दोस्तों अभी ये मात्र 75 घंटे चला है ट्रैक्टर, और 75 घंटे का मतलब कि अभी अच्छी तरीके से रमा भी नहीं हुआ। कम से कम 100-125 घंटे के बाद जो 855 है, जो कंपनी कहती है कि पूरी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाएगा, दोस्तों आज इसको हम चला के देखेंगे। ये शक्तिमान के रोटावेटर पे है जी, 7 फीट का रोटावेटर है। मैं थोड़ी सी आपको कंडीशन वगैरह दिखा दूँ। जो शक्तिमान का रोटावेटर है दोस्तों, ये अपना आप में बदनाम है जोर लेने में, लेकिन ये पक्की ज़मीन में काम भी यही करता है। यही भी हकीकत है, जोर तो लेता है लेकिन पक्की ज़मीन में काम भी अच्छे से यही करता है। उसके बाद में थोड़ा सा आपको मैं ब्लेड वगैरह चेक करा दूं, क्योंकि भाई कहते हैं कि अगर ब्लेड छोटे होते तो अपना आप ही ट्रैक्टर थोड़ा सा हल्का चलता है। लेकिन ब्लेड भी देख लो, 80% से फालतू इसके ब्लेड बचे हुए हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि किस ज़मीन में चलता है। दोस्तों आप एक पलटा, मतलब कि जिसे प्लो बोलते हैं, 3 MB प्लो से इस ज़मीन को पलटा हुआ है, और ये बहुत ही पक्की मिट्टी है। बहुत ही का मतलब काली मिट्टी मान लो, और काफ़ी पक्की मिट्टी है। ऐसे मान के चलो कि जैसे बिल्कुल चीकनी मिट्टी होती है, उसके हिसाब से जो अपना लेक वगैरह में जो बिल्कुल चीकनी मिट्टी होती है, वही एक तरह की ये मिट्टी है। और इसमें ट्रैक्टर के जो जोर हैं दोस्तों, बहुत जोर लग रहे हैं ट्रैक्टर के, मैं देख रहा था अभी। और देखें कितने RPM ड्रॉप वगैरह करेगा, मैं खुद चला के भी देखूँगा, और यहाँ पर भी देखें कि कैसी ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। छोटू कौन सा गियर में चलाते हैं बेटा? पहले लो में। और RPM कितने करते हो? रेस कितनी रखते हो? रेस 1600। चला मेरे बेटे। दोस्तों बिल्कुल ही नया नकोर ट्रैक्टर है, अभी देखो आप, पन्नी भी नहीं उतरी जहाँ बच्चा बैठा है। और ये बिल्कुल पक्के जो डले हैं, बिल्कुल पक्के डले हैं। मैं आपको एक बार पीछे से दिखा देता हूँ। दोस्तों रोटावेटर के चक्कर भी काफ़ी हैं, और आप एक चीज़ देखो दोस्तों, इतनी गिल्ली मिट्टी में चल रहा कि यहाँ से भी पल्प निकला हुआ है, मिट्टी का पल्प। अभी तक मैंने जितनी वीडियो बनाई है आज तक नहीं देखा कि गिल्ली मिट्टी यहाँ से निकल गई हो।